हेलो एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सॉन्ग शूचिन को हक कर लेता है और उसे अपनी वाइफ बोलने लगता है। ये सुनकर एक दफ़ा शू उससे मान जाती है और फिर वो उसे अपने साथ घर की बजाय बाहर कहीं लेकर जाता है। वो दोनों एक पॉइंट पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर शूचिन ड्रिंक करने लगती है। यहाँ पर वो बार बार बियर मांगे जा रही थी। सॉन्ग भी उसे नहीं रोकता बल्कि कहता है कि शायद कोई ऐसी बात है जो कि तुम ड्रंक होकर ही बोल पाओगी। साथ ही साथ उसे वॉर्न भी करता है कि मेरे अलावा किसी और के साथ तुम कभी ड्रिंक नहीं कर सकती इस तरह से। उसके बाद उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। यहाँ पर शिव उसे बताती है कि आंटी अंकल मियाँ सब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से है। लेकिन अगर एक दिन तुम ही नहीं रहोगे तो मेरा और उनका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। मेरी लाइफ में जो भी खुशी है, जो भी कम्फर्ट है, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सॉन्ग उसे ये बोलने से रोकता है लेकिन वो कहती है मुझे मत रोको, अगर मैं आज ना बोल पाई तो कभी नहीं कह सकूंगी। वो कहती है कि उस दिन एमरजेंसी रूम में जब मैं तुम्हारी जान बचा रही थी तो मैं बहुत डरी हुई थी, अगर तुम्हें उस दिन कुछ हो जाता तो मैं खुद को भी खत्म कर लेती, क्योंकि मेरी लाइफ तुमसे जुड़ी हुई है। वो बार बार रोए जा रही थी और बस यही कह रही थी कि मैं उस समय से मूव ऑन नहीं कर सकी जब मैंने अपनी आंखों के सामने तुम्हारी पल्स को डाउन होते देखा था, तुम जैसे मौत के मुंह से निकले थे, मैं वो नहीं भुला सक रही। यहाँ पर आगे से सॉन्ग उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम कोई भी फिक्र ना करो, तुम्हें पता है मैंने सारी ज़िंदगी फ्रंट लाइन पर काम नहीं करना, मैंने बहुत सालों कर लिया और अब मुझे अक्सर मेरा बॉस भी कहता है कि तुम फील्ड चेंज कर लो, मैंने इवेंचुअली एक ऑफिस जॉब भी करनी है, लेकिन उससे पहले मुझ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे शिलिताई स्टेशन की, मैंने कुछ बॉयज़ को ट्रेन करना है और जब मैं उनकी सेफ्टी और बाकी कंसर्न से रिलीव्ड फील करूँगा तो मैं ये जॉब स्विच कर लूँगा, और सेकेंडली मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये याद रखना। अब उसके बाद शू तो ड्रंक हो गई थी तो सॉन्ग उसे कैरी करता हुआ घर लेकर आता है। अब वो उसे ऊपर कमरे में ले जाता है, बहुत प्यार से उसे बिस्तर पर लिटाता है, उसका स्कार्फ उतारता है और उसकी स्वेटर उतार कर उसे बिल्कुल इजी कर देता है। अब उसके बाद वो एक वार्म टॉवल लेकर आया था जिससे उसके हैंड्स और उसके फीट क्लीन करता है। कोई इतना स्वीट और इतना केयरिंग कैसे हो सकता है। इतने में वो देखता है तो शू के फेस पर एक स्माइल थी और वो जाग गई थी। वो कहती है कि मैं तो प्रिटेंड कर रही थी ड्रंक होने को क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। लेकिन आगे से सॉन्ग भी उसे मजाक करने लगता है और कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हारा एडवांटेज उठाना था कि तुम पहले ही जाग गई हो। यहाँ पर वो बहुत प्यार से उसे देखता है और फिर कहता है कि पता है मेरा क्या सपना है, हम अपना एक छोटा सा घर बनाएं जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। मैं एक 9 to 5 जॉब करूँगा रोजाना, तुम्हें तुम्हारे काम पर छोड़ कर आया करूँगा, तुम्हें पिकअप भी किया करूँगा, हम अपने घर में पेट्स रखेंगे, फ्लावर्स रखेंगे और हर वीकेंड पर हम आउटिंग के लिए जाएंगे, मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह से तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। शूचिन सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा भी यही सपना है। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि आंटी बहुत खुश हो गई थी, अंकल को कहती हैं कि मुझे लगता है इनके बीच जो भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई है और ये फिर से बहुत खुश नज़र आ रहे थे कल। इतने में उन्हें बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं, वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि स्नोफॉल में शूचिन और सॉन्ग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो थर्ड फ्लोर पर चले जाते हैं और शूचिन यहाँ पर बहुत शरारत कर रही थी, वो एक स्नोबॉल के साथ सॉन्ग पर अटैक करना चाहती थी लेकिन वो पहले से अवेयर था, वो उल्टा उसी पर ही वो स्नो फेंक देता है। यहाँ पर वो दोनों इतने लवी डवी हो रहे थे, अंकल तो घंटों उन्हें देखना चाहते थे, आंटी कहती हैं कि शर्म करो और अंदर चलो। अब उसके बाद अगले दिन वो लोग जब अपनी गली से गुजर रहे होते हैं तो यहाँ पर शू को कुछ फिश बहुत पसंद आती हैं, उनमें से कुछ वो चूज कर लेती हैं। वो जब इस गली से गुजर रही थी तो कहती है कि सॉन्ग मुझे यहाँ से हमेशा तुम्हारी ही सेंट आती है, लेकिन सॉन्ग कहता है अनफॉर्चुनेटली ये एरिया इतना पुराना हो गया कि गवर्नमेंट जल्दी इसे डिमोलिश कर देगी, हमें तब तक अपने लिए कोई घर ढूंढना पड़ेगा। अब सॉन्ग तो अपने काम पर चला गया था जबकि म्याओ भी आजकल घर आई हुई थी क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला था और उसके लिए हर कोई तैयारी कर रहा था। यहाँ पर आंटी कहती है कि वैसे तो बहुत साल हो गए कि सॉन्ग न्यू ईयर पर घर नहीं आया, लेकिन मुझे विश्वास है आपकी बारी वो जरूर आएगा क्योंकि शूचिन जो यहाँ रहती है। और उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि रेस्क्यू स्टेशन में भी न्यू ईयर के लिए बहुत सारी प्रेपरेशंस चल रही थी, वो लोग अच्छे से अपने स्टेशन को डेकोरेट करते हैं और अपना रीयूनियन मील भी इकट्ठे ही खाते हैं। अब वो लोग ड्यूटी पर थे तो उनकी फैमिली बस आपस में अपने फ्रेंड्स ही थे। इतने में वहाँ पर सॉन्ग और जियांग यू भी आ जाता है। सॉन्ग वहाँ पर सबको पहले एक स्पीच देता है न्यू ईयर से रिलेटेड और उसके बाद सारे जियांग यू के हाथ में रेड इन्वेलप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो भी शर्त रख देता है कि जो जो पोइट्री सुनाएगा सिर्फ उसे इन्वेलप मिलेगा। अब एक एक करके सब पोइट्री सुनाकर उसे इन्वेलप ले जाते हैं। जबकि उसी समय हमें दिखाते हैं कि आंटी और अंकल साथ में म्याओ और शूचिन अपना डिनर कर रहे हैं न्यू ईयर मनाते हुए। शूचिन का हर कोई बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और वो यहाँ पर फायरवर्क्स देखती है और काफ़ी इंजॉय करती है।
उसी समय हमें दिखाते हैं कि एक बच्ची 119 पर कॉल करती है। एक्चुअली वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी और उनका अपना नंबर मिलाने की बजाय उसने फायर रेस्क्यू स्टेशन का नंबर मिला दिया था। और फिर इस साल जियांग यी को फाइनली छुट्टी मिल ही गई थी। वो सरप्राइज देने के लिए अपनी मम्मी के पास जाता है। अर्थक्वेक के बाद वो पहली दफ़ा अपनी मम्मी से मिल रहा था, तो वो ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। इतने में हमारे फायर फाइटर्स को एक एमरजेंसी कॉल आती है और उन्हें रेस्क्यू के लिए जाना पड़ता है। एक लेडी थी जो कि अपनी चाबियां भूल गई थी और अंदर उसके घर में कुछ कुकिंग भी हो रही थी। वो अंदर जाते हैं दरवाज़ा तोड़ के और उसका घर जलने से बचा लेते हैं। ये देखकर वो लेडी बहुत खुश हो गई थी। वो उनका थैंक्स करती, वो घर पर अकेली थी। वो उन फायर फाइटर्स को थैंक्स के तौर पर ऑरेंजेस देना चाहती थी, लेकिन वो लोग गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर डापिंग सिर्फ एक ऑरेंज ले लेता है, जो कि नीचे जाकर वो सारे फायर फाइटर्स आपस में बांट लेते हैं। उसी समय हमें दिखाते हैं कि पूरे चाइना में हर कोई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए गए हुए हैं, लेकिन फायर फाइटर्स वो सारे अपनी जॉब पर थे क्योंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे और किसी भी टाइम पर उनकी जरूरत पड़ सकती थी। उधर हमें मैंग फैमिली को भी दिखाते हैं। अंकल और शन डिनर करते हुए बार बार शू चिन की सीट को देखे जा रहे थे, जो कि खाली थी, लेकिन मम्मी के डर से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता कि वो शू को मिस कर रहे हैं। सॉन्ग जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि शू उसका वेट करते करते नीचे आंटी वाले पोर्शन में ही सोई हुई है। वो उसे जगाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है ये पहली दफ़ा है तुम अपने पेरेंट्स से अलग हो, मैं कल तुम्हें वहाँ मिलवाने लेकर जाऊँगा, उनका तुम पर अधिकार है, तुम्हें उन्हें मिलने जाना चाहिए। अब नेक्स्ट डे सॉन्ग शू चिन को उसके घर के बाहर तक लेकर जाता है। शू को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी कि बाहर ठंड है, लेकिन वो कहता है डरो मत, मैं फ्रीज नहीं हूँ, पास ही म्यूजियम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। शू अंदर जाती है, डैड तो उसे देखकर एकदम खुश हो गए थे, लेकिन उसकी मम्मी मुंह मोड़कर दूसरी तरफ बैठ जाती हैं, बल्कि दबे दबे शब्द में डैड को भी वार्निंग देने लगती हैं कि इसे सीधे से मत बुलाना। इतने में ऊपर से चैन आ जाता है और शू चिन को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए अपने साथ टेनिस खेलने ले जाता है। एक्चुअली शियाओ भी वहाँ आया हुआ था। यहाँ पर वो शू से पूछता है क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, कोई तुम्हें बुली तो नहीं करता। उसे डर था कि उनके फैमिली में पास्ट के गुरुजीज की वजह से कोई शू चिन को मिस ट्रीट ना करे। वो कहता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताने से एजिटेंट हो तो प्लीज शियाओ को बता देना। एक्चुअली शू चिन का भाई उसकी बहुत केयर करता था, उसे हमेशा उसकी परवाह रहती थी कि वो खुश है कि नहीं। शू चिन उनकी गेम को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी। एक तो वो मम्मी के बिहेवियर की वजह से परेशान थी, दूसरा उसे सॉन्ग की भी फिक्र हो रही थी कि बाहर इतनी ठंड है और वो पता नहीं कहाँ खड़ा होकर मेरा वेट कर रहा होगा। वो साइट पर जाकर उसे मैसेज करती है तो वो उसे कहता है तुम मेरी फिक्र ना वो उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, जब तुम इजी हो जाओ अपने मम्मी डैडी के साथ खाना खा लो तभी तुम बाहर आना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। और गाइस मंडे को एपिसोड नंबर 33 और 34 अवेलेबल होगी और उसके बाद उसी वीक के अंदर अंदर ये ड्रामा खत्म भी हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।